मैं टिल टेंथ तक टेंथ क्लास तक मैंने इंग्लिश का ए बी सी डी भी मुझे नहीं पता था इंग्लिश के डर से मैंने डॉक्टर का सपना वहीं पर छोड़कर मैंने डर से मैथ ले लिया तो पहली बार जब मैं इंग्लिश बोलना चालू किए तो मुझे इंग्लिश में भी भोजपुरी एक्सेंट आ देती है क्योंकि सब बहुत मजाक उड़ाते थे क्योंकि ओ oh माय गॉड तुम्हारे बिहारी हो ये हो बहुत सारे मुझे टोंट मारा जाता था लेकिन फिर मैं सोचा कि यार देखो इंग्लिश इज जस्ट ए लैंग्वेज और इसको मेहनत करने पर सीखा जा सकता है तो जब इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया तो वहीं देखा कि तीन इसमें पार्ट है इंग्लिश में तीन पार्ट है

उसने डॉक्टर का सपना भी छोड़ दिया आज वो बच्चा कैसे माइक्रोसॉफ्ट जैसी वर्ल्ड की सबसे टॉप मोस्ट कंपनी में जॉब कर रहा है हाई एवरी वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वो मैं हूँ अपनी जर्नी बताने जा रहा हूँ कि मैंने कैसे एक बिहार के एक गांव से स्टार्ट की अपनी जर्नी और आज मैं कैसे अपनी इंग्लिश कैसे इंप्रूव किया नमस्कार मैं संतोष मिश्रा आज मैं माइक्रोसॉफ्ट में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ मैं टिल टेंथ तक टेंथ क्लास तक मैंने इंग्लिश का ए बी सी डी भी मुझे नहीं पता था टेंथ के बाद जब मैं पटना आया और मेरे डॉक्टर बनने का बहुत सपना था बचपन से ही मुझे सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है लेकिन पटना आया तो मैं जब बायोलॉजी का बुक देखा तो शुरू से लास्ट तक मुझे एक शब्द भी समझ में नहीं आया क्योंकि सारे बायोलॉजी के पूरे इंग्लिश में लिखे थे एक शब्द भी समझ में नहीं आया और मैं वहाँ से डर गया तो इंग्लिश के डर से मैंने डॉक्टर का सपना वहीं पर छोड़कर मैंने डर से मैथ ले लिया और वहाँ से मेरी डॉक्टर लाइन की फील्ड चेंज करके मैं वहाँ से इंजीनियरिंग की तैयारी मैंने स्टार्ट किया लेकिन वहाँ से इंजीनियरिंग में फेल होने के बाद भी इंजीनियरिंग में फेल होने के बाद मैंने बी किया और बी के बाद एम किया तो जब मैं एम सी गया तो एम के पहले तक मैं इंग्लिश का मुझे कुछ भी पता नहीं था क्योंकि मैं बी सी हिंदी में ही बी सी एब्जेक्टिव में होते तो जो हिंदी में ही आप किया प्लस टू भी मैंने हिंदी में किया और टेंथ तक मैं इंग्लिश कुछ भी नहीं पता था कि बिहार में आप इंग्लिश में जीरो नंबर लाए दस नंबर लाए कोई मतलब नहीं निकलता तो मैं इंग्लिश अभी जब कॉलेज में गया तो इंग्लिस का मुझे कुछ भी नहीं पता था अच्छे से तो वहाँ पर जब इंग्लिश कॉलेज में गया तो मेरे साथ जो ऑल इंडिया के बच्चे आए तो कोई डेली यूनिवर्सिटी से कोई अच्छे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल से आए थे जिनकी इंग्लिश बहुत ही उनकी इंग्लिश बहुत ही बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलते थे जिनकी पर्सनालिटी ड्रेसिंग से हर सेंस में बहुत अच्छे थे और मैं मैं हर स्टेज पे वहाँ पे चैलेंज फेस कर रहा था लाइक वहाँ और जो बच्चे गए तो सब के सब वहाँ न्यू चीज सीख रहे थे लाइक कि अच्छे अच्छे न्यू न्यू एक्टिविटी में भाग ले रहे हैं लेट से कोई आ, आ, कोई डिबेटिंग में भाग ले रहा है तो कोई अलग अलग न्यू न्यू एक्टिविटी में कोई सीनियर कर रहा है कोई माइम कर रहा है कोई ड्रामा सीख रहा है ना नए नए कोई डांसिंग क्लासेस ले रहा है वहाँ पर डांसिंग सीख रहा है सब चीज़ें बट मेरे लिए चैलेंज कुछ और थी वहाँ पर क्योंकि मेरे को वहाँ पर मैं किसी से ही नहीं कर पा रहा था इसलिए नहीं कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ इसलिए कि मुझे जो लैंग्वेज में बातें करते तो मुझे आती नहीं थी वो लैंग्वेज नथिंग बट कि इंग्लिश था तो इंग्लिश में मुझे फर्स्ट पहली चीज़ की मुझे जो सीनियर बोलते थे या कोई बच्चे इंग्लिश में बात करते थे मुझे पहली चीज़ सबसे बड़ी चैलेंज है कि मुझे समझ में नहीं आती थी तो सबसे मैंने सबसे पहले जो फोकस किया वो अंडरस्टैंडिंग चीज़ हो लिसनिंग में फोकस किया कि जो कोई भी इंग्लिश में बोल रहा है क्या मुझे समझ में आ रही है कि नहीं रही उस पर फोकस किया जब मैं एन आई तिरची में जब मेरा एन आई तिरची में एडमिशन हुआ तो वहाँ पर जाने के बाद वो मेरा फर्स्ट टाइम कॉलेज का एक्सपीरियंस था क्योंकि उससे पहले मैं टेंथ तक मैंने स्कूल में पढ़ाई किया ट्वेल्थ में कभी कॉलेज गया ही नहीं और ग्रेजुएशन मैंने डिस्टेंस से किया तो मेरा फर्स्ट टाइम कॉलेज का एक्सपीरियंस था तो वहाँ जाने के बाद मैंने बहुत सारे मल्टीपल चैलेंज चैलेंजेस मुझे मिलना स्टार्ट हुआ तो जो मेरे साथ और बच्चे आए थे जो बहुत अच्छे अच्छे इंग्लिश से इंग्लिश मीडियम स्कूल से आए थे वो सब तो बहुत धर धरल्ले से इंग्लिश बोल रहे थे सीनियर के साथ सा, हर, हर के साथ और मुझे इंग्लिश बोलना तो दूर की बात है मुझे समझ में नहीं आ रही थी अच्छे से तो वहाँ पर मैं थोड़ा बहुत डिमोरालाइज फील किया लेकिन मैं कोशिश करना चालू किया लेकिन जब मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा था बातें कर रहा था लोगों से बोल रहा था तो बहुत लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे वहाँ पे कि यू नो कि देखो तुम्हारी एक्सेंट सही नहीं है तुम कैसे यहाँ पे आ गए तुम डिजर्व नहीं करते बहुत सारे अच्छे अच्छे मतलब बहुत ही मुझे डीमोरलाइज किया गया वहाँ पर लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार देखो मैं इतना मेहनत करके आ गया हूँ यहाँ पे तो यहाँ से वापस जाऊँगा नहीं क्योंकि वहाँ पर मेरा दो चॉइस था या तो उनकी बातों को समझ के उनकी बातों को दिल पर लेकर वहाँ से वापस चला जाऊँ घर या तो फिर लड़कर और एक लड़कर सीख कर और इनको प्रूफ कर पाऊँ कि इंग्लिश इज जस्ट ए लैंग्वेज और इसको मेहनत करने पर सीखा जा सकता है ना तो मैंने सेकंड चॉइस अपनाया मैं शॉर्टकट अपना नहीं अपनाया कि चलो ठीक है मुझे नहीं आती दुनिया बोले नहीं आते तो नहीं आते एक्सेप्ट कर लो मैंने सेकंड रास्ता अपनाया और मैं सोचा कि चलो इंग्लिश को सीखना है और इसको ट्राई करते हैं तो पहली बार जब मैं इंग्लिश बोलना चालू किए तो मुझे इंग्लिश में भी भोजपुरी एक्सेंट आती थी कि सब बहुत मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो माई गॉड तुम्हारे बिहारी हो ये हो बहुत सारे मुझे टोंट मारा जाता था लेकिन फिर भी मैंने किसी सुनी नहीं मैंने दिल के सुना कि ठीक है दुनिया क्या बोल रही है वो अलग चीज़ है मैं एवरी डे में इम्प्रूव कर रहा हूँ और मेरा हमेशा ये रहता था कि मैं मी वर्सेस मी मैं कितना इम्प्रूव बेटर डे बाय डे बेटर हो रहा हूँ और मुझे पता है मेरी जर्नी मेरी है किसी जर्नी मेरे बीच में नहीं आने वाली है तो मैं एक दूसरे का क्यों ध्यान रखूँ तो जब इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया तो वही देखा कि तीन इसमें पार्ट हैं इंग्लिश में तीन पार्ट हैं एक है आपकी लिसनिंग स्किल्स आप कोई सामने वाला बोल रहे हैं आप समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो लिस्किंग स्किल्स दूसरा चीज़ होता है राइटिंग स्किल्स और तीसरा चीज़ होता है स्पीकिंग स्किल्स मतलब आप बोलना बोलना तो जो सबसे पहला शुरुआत होता है तो कोई भी लैंग्वेज आप सीखो अब जो बच्चे होते हो आपकी जो भी नेचुरल आ, मदर टंग होती है जो भैया आप सबसे पहले सुनना स्टार्ट करते हो तो मैं सोचा चलो उस सुनने की स्किल्स को बढ़ाते हैं पहले सामने वाला जो बोल रहे हैं उसको मुझे समझ में आ रही आ रही है कि नहीं आ रही उस स्किल्स को पहले बढ़ाते हैं जो सुनने वाले स्किल्स के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि वर्ड्स तो वहाँ पे मेरे चैलेंज जो पहली बार मैं चैलेंज फेस किया वर्ड्स मेरे पास वर्ड्स बहुत लिमिटेड वर्ड्स मुझे पता था कि वर्ड्स का हिंदी पता था मुझे लिमिटेड तो मैंने वर्ड्स पावर पे वो कैब पर फोकस किया तो वह कैफ को आ, मतलब वो कैफ को स्ट्रेंथ करने के लिए मैं न्यूज़ पेपर इंग्लिश न्यूज पेपर हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया ऐसे एक दो न्यूज मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो जब जब मैं फर्स्ट दिन इंग्लिश पढ़ा न्यूज पेपर तो मुझे नाइन्टी मोर देन नाइन्टी परसेंट वर्ड्स का मुझे मीनिंग ही नहीं पता था लेकिन फिर भी मैंने क्या किया कि ऐसा किया जो भी मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ राइट लेट से मुझे मेरा फेवरेट सेक्शन है स्पोर्ट्स सेक्शन स्पोर्ट्स मुझे बहुत पसंद था तो स्पोर्ट्स सेक्शन पढ़ रहा हूँ तो जो भी मुझे मीनिंग समझ में नहीं आ रहे थे उनको मैं अपने नोटबुक में नोट डाउन करता था और उसका फिर इंटरनेट से मीनिंग सर्च कर मैं लिख लेता था ऐसा तो ऐसा हुआ कि और नेक्स्ट डे में अर्ली मॉर्निंग न्यूज पर पढ़ने से पहले जो भी वर्ड्स मैंने पास्ट में लिखे हैं उनको रिवाइज करता था मैं तो ऐसे में ओवर द टाइम एक दो मंथ तीन मंथ बाद ऐसा हुआ कि मुझे जो शुरू के दिन में मुझे 90 परसेंट मीनिंग समझ में नहीं आते थे इस टेक्निक से मैंने इतने वर्ड्स पावर मैंने कलेक्शन कर लिया कि मुझे दो तीन मंथ बाद मुझे ओनली टेन परसेंट वर्ड्स जिसका हिंदी समझ में नहीं आ रहा है मुझे नाइन्टी परसेंट वर्ड्स का मुझे हिंदी समझ में आना स्टार्ट हो गया तो उससे ऐसे हुआ कि मेरे पास वर्ड्स का कलेक्शन हो गया तो मैं समझना स्टार्ट कर गया जो भी प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं जो भी सीनियर्स बोल रहे हैं मुझे समझ पा रहा था मैं क्या बोल रहे हैं क्या कैसे क्या है मैं समझ पा रहा था तो ये समझने वाले स्किल्स मैंने स्ट्रॉन्ग कर लिया उसके साथ साथ अब मैंने क्या किया कि बहुत सारे इंग्लिस न्यूज इंग्लिश मूवीज देखना स्टार्ट कर दिया और जो भी मैं न्यूज़ देखता था वो इंग्लिश में देखता था मैं तो ऐसे ऐसे मेरी लिसनिंग स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगी और मुझे नाइन्टी परसेंट लगभग चीज़ें मुझे समझ में आने लगे फिर मेरा सेकेंड गोल था कि राइटिंग स्किल्स एंड स्पीकिंग स्किल्स तो राइटिंग स्किल्स के लिए नथिंग बट आपको एक बार लिसनिंग स्किल्स समझ में आ गई आपको वर्ड्स माइंड में फ्रेम करने लगे आपके वर्ड्स माइंड में समझ में आने लगे तो राइटिंग स्किल्स धीरे धीरे आप लिख लिख कर धीरे धीरे आप इंप्रूव कर सकते हैं क्योंकि आप न्यूज़ पर पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे आपको सेंटेंस का फ्रेमिंग करना आ जाएगा तो धीरे धीरे मेरी राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो गई तो ये दो चीज़ के लिए लिसनिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स के लिए मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी मैं खुद ही कर लिया क्योंकि यी इंटरनेट ये न्यूज़पेपर मैं खुद से कर लिया मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी अब सबसे जो चैलेंजिंग पार्ट था जो कि अभी भी मैं फेस करता हूँ कभी कभी वो है आपका स्पीकिंग स्किल्स तो स्पीकिंग स्किल्स ऐसा है कि ये आपकी प्रैक्टिस जैसे आप अगर जिम में बॉडी बनाना चाहते हैं बॉडी बनाना चाहते हैं तो आप सोच का अकेले नहीं बना ऐसा सोच के नहीं बना सकते आपको एक्सल लेना पड़ेगा आपको जाना पड़ेगा जिम में एक्सरसाइज करनी पड़ेगी बहुत सारी चीज़ें या कोई क्रिकेट मैच क्रिकेट अच्छा क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो आपको ग्राउंड पर जाकर रियल टाइम प्ले करना पड़ेगा सो स्पीकिंग स्किल्स भी सही है आपको आपको रियल टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसे प्रैक्टिस करते करते जितना बोलोगे उतना ही आपकी एवरी डे इंप्रूव होगी तो मैंने क्या किया स्पीकिंग स्किल्स के मैंने क्या किया कि मैंने बहुत सारे वो बच्चे जो मेरे क्लास में जो भी सिमिलर काइंड ऑफ चैलेंज फेस करे तो उनको बच्चों को दोस्ती किया उनसे बताया कि ऐसे ऐसे हम स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं तो उनसे वीकेंड में जैसे दो तीन घंटे हम कोई टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे लेट से कि शेयर मार्केट हो गया या पॉलिटिक्स या कोई भी स्पोर्ट्स का न्यूज़ इस पर डिस्कशन किया करते थे और उसके अलावा उसके अलावा मैं क्या करता था बहुत ही एक फ़नी चीज़ करता था कि आई I मीन mean कि ए, मैं कस्टमर केयर चूँकि टोल फ्री कस्टमर केयर सारे जैसे एस कस्टमर केयर हो गया या कोई भी कस्टमर केयर हो टोल फ्री होते थे और ये दो

प्रजेंटेशन पास में घुसा दिया या कुछ भी इधर उधर मिक्स मैच करता था लेकिन मेरे अंदर ये धीरे धीरे कॉम्पिटिशन होना चालू हुआ कि मैं बोलना सीख गया ऐसा हो गया मैं पाँच घंटे इंग्लिश बोल सकता हूँ सही गलत है मुझे नहीं पता बट मैं बोल सकता हूँ है ना तो ये चीज़ मेरे अंदर कॉम्पिडेंस आ गया और सच बताऊँ स्पीकिंग स्किल्स में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया उसके बाद मैं एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि जो भी बच्चा जो मेरे से कमजोर है इंग्लिश में उसके सामने मैं जा रहा हूँ तो मेरी खुद ब खुद इंग्लिश डबल अच्छे से बोल पा रहा हूँ आज जैसे ही वो सीनियर है वो प्रोफेसर जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है मेरे से उनके सामने जा रहा हूँ तो मैं हाफ हो जा रहा हूँ जो भी मैं बोल पा रहा था अकेले उत, उतना भी नहीं बोल पा रहा तो मैं एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि आपकी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन स्किल्स में या स्पीकिंग स्किल्स में आपके कॉम्फिडेंस बहुत मैटर करता है तो एक चीज एक चीज़ मैं सोचा कुछ भी बोलूँगा कुछ भी मैं जितना भी बोलूँगा डरूंगा नहीं कॉम्फिडेंस में बोलूँगा जो भी चीज़ डरूंगा नहीं एटलीस्ट है ना तो तो कॉम्फिडेंस कभी ऐसा ही नहीं कि मैं साई हो गया चाहे शब्द आधा मुंह में ही रख लिया ऐसा मैं जो भी बोलता था कंप्लीट तो बोलता था तो जो भी बोलता था इतना कॉन्फिडेंस बोलता था तो ऐसे करते करते मैं बहुत तो दिन में कम गंटे, गंटे से कम तीन घंटे चार घंटे जिससे बातें कर रहा हूँ इंग्लिश में बातें कर रहा हूँ कहीं कस्टमर केयर को फोन किया चाहे कहीं जूनियर से या कोई भी जिससे बात कर इंग्लिश में बात कर रहा हूँ और कभी मैंने ये नहीं सोचा कौन क्या सोच रहा है कौन क्या सोच रहा है मेरे बारे में कौन जज करो माय गॉड कि ये एमसी में आ गया फिर भी इसको इतना अच्छा कॉलेज में आ गया फिर भी इसको इंग्लिश नहीं आती है क्यों आया क्या किया इनमें बहुत मजाक उड़ा गया मुझे तो हमेशा जो भी मजाक उड़ाते थे लोग मुझे कि तुम्हारी एक्सीडेंट खराब है ये खराब है तो हमेशा उनको ये बोलता था मैं कि देखो आज मैं यहाँ पे आया हूँ इतना मेहनत करके आया हूं तब ना आप बोल पा रहे हो कि तुम्हारी एक्सीडेंट खराब है दैट इज मैं कुछ तो हूँ ना जो यहाँ पे आकर आप सामने से बात कर पा रहा हूं तो यहाँ पे यहाँ तक आ गया तो मैं आगे भी चला जाऊंगा ऐसा कुछ नहीं है ना तो उसमें मैक्सिमम बच्चे जो थे जो साई थे जो डर जाते थे या जो यू नो उनकी बातों में आ जाते थे माई गट मुझे भी क्या बातों में आ जाता है कि तुम कैसे आया क्या बहुत लोग बच्चे थे जो सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम फेस करे थे थे बहुत सारे बच्चे गिव अप कर दिए उन्होंने ट्राई नहीं किया चलो ठीक है क्या कोशिश करना मजाक उड़ाएंगे सब चीज़ बट मैंने कभी किसी की सुनी नहीं मुझे पता है कि इट्स ऑलवेज मी वर्सेज मी एवरी डे में इंप्रूव कर रहा हूँ तो एक दिन ऐसा हो कि मैं इनके जो ये जो इंग्लिश बोल रही इनसे भी बेटर मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ ऐसा तो कोशिश करते 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 आज मैं जहाँ भी हूँ आज मैं ऑलमोस्ट माइक्रोसॉफ्ट में ऑलमोस्ट मैं पाँच छः घंटे मीटिंग में व्यस्त रहता हूँ मीटिंग करता हूँ इधर उधर डिफरेंट डिफरेंट टीम्स से डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के लोगों से और मैं अमेरिकन या कोई इंग्लैंड के बंदे से कोई ऑस्ट्रेलिया के बंदे से दिन भर इंग्लिश में धरले से बात करता हूँ और मुझे एक सेकंड में डाउट नहीं होता माइंड में मैं क्या मैं आई I मीन mean कि एक सेकंड में डाउट नहीं होती मैं मुझे पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ अब मुझे एक भी पहले मुझे जब शुरू में बोलता था मुझे हमेशा हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ता था और मुझे कुछ भी ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता है क्योंकि मैं इतनी प्रैक्टिस कर लिया हूं कि सारी चीज़ें ना सब कॉन्शियस माइंड में जा चुकी है देखो होता है ना शुरू में आप कार जब चलाते हो कार सीखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना लेफ्ट राइट इधर उधर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है आप दो तीन महीने प्रैक्टिस कर लेते हो तब कार खुद ही चलती है आपकी क्योंकि आप उसके बाद कार आप नहीं चलाते आपका सब कॉन्शियस माइंड चलाता है सीनियर भी आपका ये इंग्लिश भी है इतना प्रैक्टिस कर लो कि आपको कोई रात में बारह बजे उठा के पूछे ना कुछ बोलने तो आप धरले से बोलना स्टार्ट कर दो दैट नथिंग बट आपको इतना प्रैक्टिस करोगे जब आपकी सारी चीज़ सबकॉन्सियस में चली जाएगी तो फिर आप ऐसे ही करोगे आपको लगेगा ही नहीं कोई जज ही नहीं कर पाएगा कि आप नॉन नेटिव इंग्लिश प्लेटफॉर्म नॉन नेटिव इंग्लिश कंट्री या जगह से हो ऐसा तो अभी ऐसा ही हुआ मैं प्रैक्टिस इतना किया इतना किया कि अब मैं बिना सोचे बिना हिचकिटाह के मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ तो इसे मैंने आ, अपनी आ, राइटिंग लिसनिंग और स्पीकिंग इंग्लिश को इम्प्रूव किया और इंग्लिश ऐसी चीज़ें कि एक बोलते हैं ना कि कम्युनिकेशन स्किल्स है जी स्किल्स कला है जो कि कला जो है ना आप शायद साठ साल में भी सत्तर साल में भी आप हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है इसको कोई नहीं बोल सकता आप परफेक्ट हो तो इंग्लिश में या कोई भी लैंग्वेज में कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता इनफैक्ट मैं भोजपुरी से मैं नेटिव लैंग्वेज भोजपुरी है और बोल सकते हैं भोजपुरी और हिंदी है मेरी हिंदी अभी बहुत कमजोर है हिंदी में बहुत कुछ सीखने जरूरत है वैसे ही मेरी इंग्लिश भी अभी बहुत कुछ सीखना है और इनफैक्ट कोई इंग्लैंड का ही बंदा है जिसने जिसका नेटिव इंग्लिश है उसको भी बहुत कुछ सीखने जरूरत है तो आप डरो मत इंग्लिश बहुत छोटी चीज है और मुझे लगता है कि दुनिया सबसे इजिएस्ट वे है इजिएस्ट लैंग्वेज है इंग्लिश है ना तो वो सोचना नहीं है बस कॉम्फिडेंस रहना है और कभी भी कोई भी कुछ भी बोल रहा है आपको आपको ध्यान नहीं देना है मैं एक चीज बता सकता हूँ कि अगर मैं कर लिया ना मैं कर लिया जिसको मतलब एक अच्छे से हिंदी भी बोलने नहीं आती थी आई मीन कि हिंदी एक छोटे छोटे हिंदी एक्सेंट पे ही मजाक उड़ाया जाता था और आज मैं इतने घंटे तक मल्टीपल कंट्री के लोगों से इंग्लिश में बात कर पा रहा हूँ तो आप भी कर सकते हो बस बिलीव करने की जरूरत है बिलीव करोगे तो आप हंड्रेड कर सकते हो क्योंकि आप जो स्टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनैलिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सोल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप तो इंतजार किस बात का है आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए क्लिक द लिंक नाउ